वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। आज बाबा चौक पे लंगर चल रहा है, आप लंगर स्टार्ट है और मैं आपको आज दिखाऊंगा। आज मुहर्रम की 8 तारीख है, यहाँ पे बाबा चौक पर हमारे सुहैल चचा है, इनके दरवाजे पे हमेशा 8 तारीख को लंगर होता है और आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको पूरी तरह से वीडियो बना के दिखाते चले जा रहे हैं। इनका ये घर है, ये देखिए आप, नीचे डीजे सेट हुआ है, यहाँ कुछ मातम वगैरह होता है और ये देखिए डेग वगैरह यहाँ पे सारी डेग लगाई गई है। ये देखिए खाना निकाला जा रहा है यहाँ से और यहाँ पर सामने आप देखिए यहाँ पे बच्चे वगैरह जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखिए यहाँ पे खाना उनको खिलाया जा रहा है। ये देखिए ये बाल्टीन तो आए, यहाँ पर रोटी बन रही है, ये देखिए तंदूर है, सामने रोटी बन रही है, ये देखिए वहाँ पे आटा गूंदा गया था ये वही बन रही है, यहाँ पे निकल रही है, ये नान इसको नान कहा जाता है। और ये देखिए आप छोटे छोटे बच्चे ये देखिए लंगर खा रहे हैं। और जाबिर हुसैन ये जो है बच्चों को खाना खिला रहे हैं, जाबिर हुसैन ये देखिए। और दूसरे ताजियादार बाबा चौक के ये भी है, इनका इनका नंबर दूसरा आएगा अगले साल के लिए। और ये दूसरे ताजियादार हमारे शरीफ चचा है, उनका ये घर है। और ये जो ताजियादार हैं इनका ये पहला घर है जो कि इनकी दारी है इस बार, 8वीं मुहर्रम है। और ये देखिए नगर के हैं, ये भी ताजियादार हैं, कल्लन भाई के लड़के जाओ। और ये हमारे फैल चचा के लड़के वसी अहमद है, इनकी बारी है इस साल ताजियादारी का। और हमारे खान साहब सादी ये पंचैयर के ताजियादार हैं। और ये हमारे बच्चन भाई है, ये भी हमारे मेन कार्यकर्ता में इनका नाम आता है। ये हमारे नसीम मामा है, इनका मुंह हमेशा टेढ़ रहता है, कभी सीधा नहीं होता, डेक की जिम्मेदारी इनको दी गई है। लंगर है हमारे सोहेल भाई है, ये भी ताजियादार है बाबा चौक के। और ये हमारे दो प्रधान नगर के हैं, ये खाना पकाने के लिए हमारे गांव आए हैं, लेकिन ये पुराने ताजियादार प्रधान नगर के हैं दोनों, हमारे सबीम भाई और रियाज भाई। ओके। और ये पानी की जिम्मेदारी हमारे तवान भाई को दी गई है, ये भी ताजियादार है, ये हमारे ललई भाई है ये तवान भाई है, ये समीर भाई है, ये पानी की जिम्मेदारी इनको दी गई है। तवान भाई ये भी ताजियादार है बाबा चौक के। वहाँ पर खाना बनाया, यहाँ पे खाना बनाया गया, डेग अभी भी चढ़ी हुई है, ये मटेरियल वगैरह रखा। और ये जनरेटर देखिए आप, बहुत बड़ा जनरेटर, 30 किलो वाट का जनरेटर है, ये लाइट के लिए पर्सनली लगाया गया है, जो डीजे वगैरह के लिए अलग से आएगा। ये प्रति घंटा 4 लीटर डीजल खाता है। अब हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए लंगर, ये हमारे विधायक जी आ रहे हैं। और ये देखिए आप, लंगर चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वो आप देख सकते हैं लंगर चल रहा है। लंगर चल रहा है, लंगर अभी तीसरा चौथा राउंड चल रहा है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, फ्री लाइन है, भीड़ बरकरार है, हर लोग अपनी कुर्सी सीट पकड़ने के लिए तैयार है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। लंगर है, लंगर सीमित समय के लिए होता है, इसके लिए लोग अपनी सीटों को, आप देख सकते हैं चारों तरफ लोग जो खड़े हुए हैं वो ऐसे नहीं खड़े, वो अपनी सीट पकड़ कर खड़े हैं। और ये देखिए हमारे कमाल मामू है, वो सामने मैनेज के लिए खड़े हुए हैं, वो हमारे सामने बबलू है, मेरा छोटा भाई उस्मान। और जो भी कार्यक्रम में कार्यकर्ता जो लंगर में शिरकत करने के लिए खड़े हुए हैं, साइड में मैनेज
इनके हाथों में भी है। और अगर आप बाहरी हैं तो आप आइए दरे में, 1 तारीख से 10 तारीख तक लंगर है, आम होता है लंगर एक खास। और ये देखिए आप, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये राउंड चौथा चल रहा है और भीड़ अभी बराबर चल रहे, लोग आते जाते हैं। अभी कम से कम 6 बजे तक, वसी भाई ने बताया कि 6 बजे तक लंगर चलेगा। और आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर लंगर चल रहा है, लंगर के साथ में जो भी मैनेज वाले हैं, जो भी सारे लोग यहाँ पे बहुत ही व्यवस्था उनके ही जिम्मे है। और आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैनेज बोले ना, ये हमारे फिरोज भाई हैं। और ये लंगर है भाई, लंगर है, आप पे आइए और जल्दी जल्दी खाइए, क्योंकि सबको लंगर है आप खाने का, सबको लंगर खाने का हक है। इसके लिए कोई दावत के हिसाब से ना खाए, बराए मेहरबानी। और अगर बाहर के आप हैं तो घर ही आप आइए, हर रोज़ यहाँ पे लंगर आम होता है, आप देख सकते हैं। ये बाबा चौक, वसी भाई, वकील भाई और सुहेल भाई वगैरह के तरफ से ये लंगर आम 8वीं मुहर्रम को किया जाता है। ये हमारे सरवर भाई, छोटे भाई हैं, ये भी मुंबई से स्पेशल लंगर के लिए आते हैं और मुहर्रम करने के बाद, पीजा के बाद चले जाएंगे। और ये हमारे जो खाने वाले हैं उसमें कार्यकर्ता भी हैं, सैफी वगैरह है जी। देखिए प्राण नगर की पूरी टीम आना स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए आप जो बच्चे वगैरह हैं ये साफ सफाई भी कर रहे हैं खाने के लिए, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे सभी भाई हैं, ये परान नगर के, ये ताजियादार में, ताजियादार परान नगर के ये हैं, यहाँ पर आए हैं धरई में लंगर खाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये ताज भाई है, साजिद भाई, ये हमारे मुन्ना पठान भाई हैं, ये भी इस कार्यक्रम में लंगर के लिए आए हैं। और ये एक छोटा सा ब्लॉग था जो मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश किया है। और ये बाबा चौक, मैंने बाबा चौक पर लंगर आम के सिलसिले से बनाया था। और वीडियो पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ब्लॉग के साथ में। ओके, अल्लाह हाफिज़।